वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मुनव्वर राणा के पलायन की धमकी के बाद यूपी के सियासत में जबरदस्त खलबली मची हुई है। एक तरफ तो विपक्ष को मौका मिल गया है, दूसरी तरफ मुनव्वर राणा ने कैराना का जिक्र करके विशेष समुदाय की पीड़ा बता रहे हैं। वहीं बीजेपी के साथ साथ अब हिंदू संतों का भी गुस्सा उन पर फूट पड़ा है। आवाज उठी है रामनगरी से। जी हाँ, अयोध्या के साधु संतों ने कहा है कि उन्हें पलायन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। संतों ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की बहुमत वाली ही सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मुनव्वर पर मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए संतों ने कहा कि इस समय केवल गुंडे और बदमाश प्रदेश छोड़ने की सोच रहे हैं। मुनव्वर को मलाल है कि वो अपने भाई की जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए, इसलिए वो लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिए। महंत राजूदास ने कहा कि मुनव्वर अपने भाई की जमीन और संपत्ति हड़प रहे थे, जिसको लेकर पुलिस की कार्रवाई हो रही है, इसलिए वो लोगों को बरगला रहे हैं, जबकि मुस्लिम उनकी बातों को भाव नहीं देते। राजूदास ने कहा कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान जागरूक हो चुका है। मुनव्वर को तकलीफ है कि मुख्यमंत्री योगी कैसे बन जा रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तो वहीं रामलला के प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि मुनव्वर राणा ने जो कहा है उसको करना चाहिए, क्योंकि सरकार बीजेपी की ही बन रही है और मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी उन्हें शुरू करते हुए अपना बोरिया बिस्तर बांध लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बता दें कि शनिवार को मुनव्वर राणा ने कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो पलायन कर जाएंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि 5 साल तो हम बच गए, लेकिन अगले 5 साल में जिंदा नहीं बचेंगे। मरना तो वैसे ही है, लेकिन बेमौत नहीं मरना चाहते। बीजेपी के नेता पलायन करने वाले को पश्चिम यूपी में तलाश रहे हैं, मगर मैं यहाँ बैठा हूँ। मुनव्वर ने जोर देते हुए कहा था कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर योगी आएगा तो मैं पलायन कर दूंगा। अब इस बात को स्पष्ट तौर पर नोट कर लिया जाए। अब देखना होगा कि 10 मार्च को बाद क्या सच में मुनव्वर यूपी से निकल लेंगे, या फिर बाकी वामपंथियों की तरह यह भी सिर्फ एक घिसी पिटी स्क्रिप्टिंग का हिस्सा है और कुछ नहीं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।